मैं यही कह रहा हूँ और सभी अध्यापक जो बाप को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं पढ़ाते हैं और सभी यहाँ कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं सभी बच्चे बच्चे परीक्षार्थी जब परीक्षा लेना चाहता है तो सबसे अच्छी परीक्षा को पास करना चाहता है और उसको लक्ष्य हासिल करने के लिए पहले लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी होता है। अमूमन जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है और हमारे समय में जो ट्रेंड था कि उन्होंने पढ़ाई छोड़े उन्हें 25 साल हो गए, 1995 के बाद पढ़ाई नहीं की है, दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, अन्य विभाग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 1995 तक मैं पढ़ता रहा और लगातार पढ़ता रहा। बाकी चीज़ें अभी भी मैं पढ़ता हूँ, सामाजिक विषयों पे, देश की समस्याओं पे, वर्तमान सामाजिक समस्याओं पे मेरा अध्ययन लगातार जारी रहता है। लेकिन अमूमन जो मैं आजकल देख रहा हूँ ट्रेंड और जो आजकल पढ़ने का तरीका देख रहा हूँ, पढ़ने के तरीके में नेट का बहुत ज़्यादा स्थान हो गया। नेट बहुत ज़रूरी है, हर एक आदमी को नेट के जरिए तमाम चीज़ें जान पाते हैं जो और आपको पुस्तकों में ढूंढने से नहीं मिलते। लेकिन जो पहली चीज़ मैं आपके ये कहना चाहता हूँ कि आप किताबों को पढ़िए, जो भी किताबें हैं बेसिक बुक्स हैं उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बेसिक बुक्स पढ़ने का मतलब है कि चाहे आपका विषय कोई भी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हर चीज़ बेसिक पुस्तक पढ़ने से उसका बेसिक आपके दिमाग में क्लियर होता है, तो उसको क्लियर करिए। बाकी एडिशनल जो भी नॉलेज प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए आप किसी भी नेट का भी सहारा ले सकते हैं, उसके लिए कोचिंग क्लासेज हैं, कोचिंग क्लासेज के नोट्स भी हैं जो आपको बता सकते हैं। और सफलता का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता, एक पूरी प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस के तहत मेहनत करना होता है। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, मैं 1991 में पहली बार UPSC का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी के साथ मैं MPPSC का भी प्री दिया, वो भी नहीं हुआ। लेकिन जब MPPSC का प्री देने जा रहा था तो हमारे साथ एक हमारे सीनियर भी गए थे, तो उनके मैं नोट्स पढ़ रहा था कि वो कैसा नोट्स बनाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल जस्ट जब मैं प्रीवियस में था तब की बात है। मैंने उनके नोट्स देखे तो मुझे समझ में आया कि मेरी हाल कहाँ, मेरी कमी कहाँ। उसके बाद मैंने कोई भी ऐसी प्री परीक्षा नहीं थी जिसको मैंने पास नहीं किया। तो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपनी कमी भी पता होनी चाहिए, पढ़ाई में कहाँ चूक कर रही है। तो ऐसे किसी सफल विद्यार्थी का जो आज के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहा हो, उसके नोट्स को भी देखें, वो कैसे पढ़ रहा है। हर आदमी के पढ़ने का पैटर्न अलग होता है, उन्होंने जो बनाया उससे बेहतर मैंने पैटर्न डेवलप किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी कमी पता चली, मैंने उनके नोट्स फोटोकॉपी नहीं करा। तो उसको एक पहली बात समझिए, खुद का नोट्स प्रिपेयर करने की आदत डालिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में खुद का जो नोट्स प्रिपेयर होता है वही अंतिम समय में काम आता है। विश्वास आत्मविश्वास संदर्भ होगा और आत्मविश्वास अंदर होना बहुत जरूरी है। और जो भी आपके विषय हैं उस पर आप कोशिश करिए कि आपका एक अधिकार रहे। हर सब्जेक्ट के फार्मूले होते हैं, चाहे आर्ट्स के हों चाहे साइंस के, आर्ट्स के भी पढ़ने के फार्मूले होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री लीजिए, हिस्ट्री में एक शब्द चुनिए, समाज। आपने समाज को चुना, अब समाज चुना तो समाज जो है वैदिक एज से लेके मॉडर्न एज तक क्या चेंजेस हुआ, वैदिक एज में जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी कैसे कैसे चेंज हो रही, उस चीज को आप ध्यान दीजिए। इस चीज को ध्यान नहीं दीजिए कि वैदिक एज में थी, लेटर वैदिक एज में थी और ये क्या कहते हैं महाजनपदों के काल में थी, मौर्य काल में थी और उस काल में थी। चेंजेस को पकड़िए, इस एज में क्या चेंज हुआ, बेसिक कोई चेंज नहीं होता है। अगर कोई समाज है तो परिवार से बनेगा, तो परिवार कभी चेंज नहीं होता, परिवार तो बेसिकली, परिवार में चेंजेज क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति कैसे बदली। अब ये नहीं याद करना कि इस एज में हुआ, इस एज में, अलग अलग पढ़ने से बेहतर है कि आपको ये पता होना चाहिए महिला का, अगर कोई प्रश्न करता है महिलाओं की स्थिति समाज में क्या थी, महिला शिक्षा क्या थी, आपके दिमाग में खाका आ जाना चाहिए कि वैदिक एज से लेकर मॉडर्न एज तक क्या चेंजेस हुआ। अगर चेंजेस को आपने पकड़ा, यही होता है, यही फार्मूला होता है।
इस तरह के खुद के फार्मूले भी बनाना सीखे, हर विषय के बने, क्योंकि हर चीज में चेंजेस हुआ है। साइंस में कभी कोई चीज थी, दूसरी चीज आई, नई इन्वेंट हुई, फिर एक नई चीज इन्वेंट हुई। हिस्ट्री चाहे विज्ञान हो गया, चाहे वो समाज शास्त्र हो गया, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हर चीज में कुछ न कुछ नई बातें ऐड हो रही हैं, क्योंकि रोज नए रिसर्च होते हैं। नए रिसर्च से क्या होता है, नए नए सत्य सामने आते हैं, और जो सत्य स्वीकार होते हैं वो विषय में स्थान पाते हैं। इसलिए लगातार चीज़ों से अवेयर रहें, उसको पढ़ें, उससे अवगत हो। दूसरी चीज यह है कि कई लोग रटने पर विश्वास बहुत करते हैं। रटने से आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, मेंस पास करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वो सिर्फ पढ़ने से, एक ही किताब को दो बार पढ़ डालो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एक बार आपने बेसिक कर लिया तो किताबें पढ़ते रहिए, जो भी किताब आए फुर्सत में पढ़िए, पढ़ना मत बंद करिए, जब भी समय मिले पढ़िए। पढ़ना आपने बंद कर दिया तो आपको कुछ नहीं है, कुछ नुकसान ही नुकसान होगा। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जो है बी ए किया हिस्ट्री, अरे एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऑफ फिलासफी। मैं फिलासफी का बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, फिलासफी में कभी भी 80% से कम नंबर नहीं आते थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि फिलासफी को लेकर मैं आगे नहीं चल सकता, मैंने फिलासफी को ड्रॉप कर दिया। पॉलिटिकल साइंस में मैं शुरू से वीक था, उसको मैंने ड्रॉप किया। मेरे पास एंशियंट हिस्ट्री थी, जब मैं कंपटीशन देने की स्थिति में आया, मुझे लगा किस विषय को पढ़ना चाहिए, मुझे मैंने कहा हिंदी टच करते हैं, यूपी में जो पढ़े हुए लोग हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, पहले यूपी में दो तरह की हिंदी पढ़ाई जाती है हाई स्कूल से, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी। मैं चूंकि इंटरमीडिएट तक साइंस का विद्यार्थी था, तो मैं सामान्य हिंदी का विद्यार्थी था, यानी मुझे हिंदी में भी मैं उस स्थान पर खड़ा था जिस स्थान पर दसवीं का लड़का खड़ा है, लेकिन मुझे लगा कि मैं हिंदी में बेटर कर सकता हूँ, मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया। मैंने पूरा सिलेबस, क्योंकि कंपटीशन के उसमें था, कई चीज़ें मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं जितनी पढ़ लिया उस विषय पे, मेरे जिसने मुझे हिंदी की कोचिंग दी थी वो टीचर भी मेरे नोट्स को लेके अपने आगे आई समय में लड़कों को पढ़ाया। तो जिस विषय को पढ़िए, जिस चीज़ को पढ़िए, उसमें इतने मास्टर हो जाइए, उतने मास्टर हो जाइए, कुछ विषय का क्वेश्चन आए तो पूरे 1000 लड़के अगर परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे बेहतर कोई ना लिखे, ये आपके अंदर क्षमता आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें किताबें पढ़ने से आनी चाहिए, ये किताबें पढ़ना मत करिए। और ग्रुप डिस्कशन, दूसरी चीज़ ग्रुप डिस्कशन, सबको अपना एक ग्रुप होता है, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, चाहे लड़के लड़कियों का एक ग्रुप होता है। हम लोग जब प्री की तैयारी करते थे, हम तीन फ्रेंड थे, हम तीनों शाम को इकट्ठा होते थे एक चाय की दुकान पे, बड़ी सी चाय की दुकान थी एक टाकी स्टॉल्स के बगल में, हम लोग दो तीन चाय पी जाते थे। दो तीन चाय में पूरा 24 घंटे में वो जो पढ़ा रहता था वो हमको बताता था, उसने जो पढ़ा रहता था वो मुझे बताता था, और हम दोनों एक दूसरे को अपना ज्ञान बांट के अपनी एक दूसरे की कमी पूर्ति कर देते। तो डिस्कशन कर लो, ऐसा नहीं कोचिंग में जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं हर आदमी एक समान उसको ग्रहण कर रहा है, किसी के ग्रहण करने की क्षमता कुछ है, किसी के ग्रहण करने की क्षमता कुछ है, लेकिन अगर आपस में डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन लेवल पे जाएंगे, तो आपकी क्षमता एक समय एक आ जाएगी कि आपका काफ़ी ज्ञान विस्तार हो गया, और जो टीचर ने बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ग्रुप डिस्कशन पे भी भरोसा रखिए, ग्रुप डिस्कशन करने से दो फायदे होते हैं। आपने यदि मेंस पास किया तो इंटरव्यू के स्टेज में आप जब जाएंगे तो आपको इंटरव्यू फेस करने में कोई भय उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रुप डिस्कशन किए हुए हैं, आप अपने लोगों के बीच बात किए हुए हैं, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बहुत जोर दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको करिए। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग लड़का है वो हर चीज़ में 80% 90% पा रहा है तो बहुत बेहतर करेगा, जो 60% वाला है वो गड़बड़ करेगा। मैं हाई स्कूल में 68%, इंटरमीडिएट में 55%, बीए में 61%, एमए में 58%, मेरा ये मेरा स्कोर रहा। और मेरे साथ के जो लोग बहुत बड़े थे, जो 80% 90% वाले थे, वो कहीं टीचर हैं कहीं बैंक में पढ़ रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लड़के गड़बड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है करते हुए उन्होंने बीएससी किया, बीए किया, पहली नौकरी मिली उसे घुस गए, कहेंगे कि नहीं मुझे जो है
या तो मैं केसी या केसी क्लियर करूंगा, नहीं तो मैं टीचर बनूंगा। मैं अपने जीवन के दो लक्ष्य निर्धारित, पीएससी में पीएससी या टीचर। मैंने एमए कर लिया था, मुझे रिसर्च में एडमिशन लेना था, तब तक मैं सेलेक्ट हो। तो ये नहीं है कि आप एक चीज और होती है कि पहले के लोगों का हौसला जो है कुछ ज्यादा मजबूत होता था, अब के लोग जो है इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। फोन लगाओ, खाना बुला लो, ये करो, हर चीज मोबाइल से काम करना, हर चीज में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हम लोग के टाइम में सब चीजें नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट की नहीं होती थी। लेकिन आप अपने लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य के साथ एक दूसरा लक्ष्य भी रखें, ताकि आप निराशा के क्षणों में उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। आपने एक लक्ष्य तय कर लिया कि नहीं, हमने पीएससी या पीएससी नहीं क्लियर हुआ, यही क्लियर करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। मैं अपने तमाम ऐसे सीनियर्स को जानता हूँ जो बहुत योग्य थे, बहुत काबिल थे, जिस परीक्षा को देते थे पास हो जाते थे, लेकिन लकली उनको यूपीएससी पीएससी क्लियर करना नहीं आया। आज हाईकोर्ट इलाहाबाद में वकालत कर, जबकि वो एक अच्छे टीचर बन सकते थे, किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, इनका विषय भी इतना एकाधिकार था, लेकिन उन्होंने अपना सेकंड लाइन नहीं क्लियर रखी। तो एक सेकंड लाइन भी क्लियर रखिए, ताकि आपके अंदर निराशा का भावना। तीसरी बात एक चीज हो रही है कि यूथ पीढ़ी में कई लोगों को लगता है कि एक दिन कोई नशे से मैं बहुत दूर रखने की बात हमेशा करता हूँ, नशे के मैं बहुत खिलाफ काम भी करता हूँ और शुरू से ही मैं नशे के खिलाफ रहता हूँ। नशे की चीज़ों से बचने की कोशिश करें। कई लोग कहते हैं सिगरेट पीने से नींद नहीं आती है, तम्बाकू खाने से नींद नहीं आती है। आप 6 घंटा सोइए, 6 घंटे से ज़्यादा किसी को नींद नहीं आती। आज भी मैं 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, 5 घंटे से ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती। और सही तरीके की 5 घंटे की नींद काफ़ी है, छात्र के लिए तो 4 घंटे भी काफ़ी है। तो नशे की आदत से बचिए। कोई भी नशा आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करता है, एकांगी बनाता है और आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करता है। तो जो भी हो आपके संगी साथी, जो आपके संगी साथी नशे करते हों, उनसे तत्काल दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो कल को आपको सिखाएगा। पक्का मान लीजिए वो आपका दोस्त नहीं है, आपका दुश्मन है। अगर नशा कर रहा है तो आपको नशा सिखाएगा, उससे दूर रखिए। अच्छा खाना खाइए, माँ बाप आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ये समझ के करिए हम इतना करें कि माँ बाप को भी तसल्ली हो कि हम कुछ कर रहे हैं। अब पता चला कि माँ बाप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़ाई करने के साथ नशा करने लगे, तो माता पिता की जो मानसिक स्थिति होती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन सब चीज़ों से भी दूर भागे, इन सारी चीज़ों को करके और आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि हमको जो है इतने बजे जगना है, इतने बजे इतना है, इतने बजे करना, उस टाइम टेबल के हिसाब से काम करें। वो टाइम टेबल आपको जब एक हफ्ते परेशान करता है, एक हफ्ते के बाद आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। किसी की आदत रहती है देर रात तक जग के पढ़ने की, किसी की रहती है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की, दूसरे की आदत देख के अपनी आदत मत बदलनी है। आपके आपके स्वभाव को जो आदत सूट करती है उसी स्वभाव के हिसाब से चलिए। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, जिसको आप ध्यान देंगे तो बहुत बेहतर करेंगे। और 10वीं की जो पढ़ाई होती है, 10वीं तक की जो पढ़ाई होती है वो बेस होती है। उस 10वीं की पढ़ाई में जो भी किताबें हैं सबको ऑनलाइन में बुला सकते हैं, उसको पढ़ाइए। ऑनलाइन बुलाना है तो किताबें बुलाइए, पिज्जा बर्गर के बजाय किताबें बुलाएं, उसको पढ़ें। पढ़ें, किताब पढ़ के रख दें। आप किताब यदि कोई बुलाए हैं तो उसको पढ़ के ख़त्म करके रखना है। मेरी लाइब्रेरी में आज की टाइम में जो मेरी खुद की लाइब्रेरी है, जिसको मैं अपने साथ ले कर चलता हूँ, 10 से 12 कार्टून, बड़े बड़े कार्टून मेरी किताबें रहती हैं। 3 अलमारी भरी हुई मेरी किताबों से और सब मैं पढ़ लिया हूँ। आप मुझे किसी भी सामाजिक विषय पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं, मैं सब पे आपसे बात कर सकता हूँ। लेकिन और तमाम विषय से इतर चीज़ें पढ़ने की कोशिश मत करिए। विषय से अलग जाके कोई अलग किताब आ गई उसको पढ़ो नहीं। अभी जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, अपनी विषय की किताबों के अलावा कोई किताबें मत पढ़ें। और चीज़ों को बार बार पढ़ें,
याद करने के बजाय पीता हूँ चीज़ों को बार बार पढ़ने। तो इन सब चीज़ों का यदि आप सही तरीके से चलेंगे तो आपको नो डाउट आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। नौकरी पाना ही सफलता नहीं होगी, सफलता और कई तरीके की होती है। हमारे साथ का एक लड़का था, संजय द्विवेदी करके लड़का था, पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, बढ़िया टॉपर लड़का था। उसने कंपटीशन दिया नहीं हुआ, लेकिन अपने विषय में पारंगत था। आज वो हमसे ज़्यादा कमा रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लक्ष्य अपना तय होना चाहिए, लक्ष्य पे अपने चल रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण ऐसा न हो कि अगर लक्ष्य हासिल न हो तो हमारे जीवन के सामने अंधेरा छाए। ज्ञान उजाला के लिए होता है, ज्ञान में आप इतने परफेक्ट बने कि आपके लिए कोई रास्ता असंभव न होगा, अपना रास्ता तय करके आगे बढ़ जाए। पढ़ाई का उद्देश्य ही है, कोचिंग में वो चीज़ें बताई जाती हैं जिसके आधार पर आपको कॉम्पिटिशन में सफलता मिल सकती है। तो उन चीज़ों को लेते हुए आप आगे बढ़ें और मेहनत करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, श्रम का कोई विकल्प नहीं है, और श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्रम कोई व्यर्थ नहीं जाता है। वो श्रम कब काम आता है? आपका पढ़ा हुआ श्रम जो न प्री में काम आया न मेंस में काम आया, वो इंटरव्यू में काम आता है। इंटरव्यू में कोई कोई ऐसा प्रश्न पूछ देंगे जो आपने पढ़ा रहा होता है, उसी में से निकल के आता है, उसका उत्तर आप बताते हैं। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया 93 में जब मैं इंटरव्यू दिया कि उस मुख्यमंत्री का नाम बताओ जो सबसे अधिक समय से मुख्यमंत्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन था, ज्योति बसु। अब वो क्यों है अगला प्रश्न मेरे से पूछा गया। मैंने 5 रीजन बताए। 5 रीजन के बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतना अच्छा उत्तर दो। तो ये चीजें तब काम आती हैं जब आप इंटरव्यू देते हैं। एक बात बताने का उद्देश्य की भी है कि उत्तर कोई उत्तर है तो उस उत्तर के पीछे कारण क्या छुपे हैं, कारणों को भी जानें।